विराट ने दिया भारत को दिवाली गिफ्ट, पाकिस्तान को धोकर विराट ने जमीन पर बरसाए घुसे, रोहित ने गोद में उठाकर मनाया जश्न। भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। मेलबर्न के मैदान पर विराट कोहली ने टीम इंडिया को हारा हुआ मैच जिताया और बाजीगर साबित हुए। कोहली ने एक बार फिर साबित किया कि वह इस खेल के किंग क्यों कहलाते हैं। कोहली की इस पारी ने कप्तान रोहित शर्मा को इतना खुश कर दिया कि उन्होंने मैदान पर ही अपने स्टार खिलाड़ी को गोद में उठा लिया। खेल की बात करें तो आखिरी गेंद पर जाकर टीम इंडिया को जीत मिली तो कोहली ने हमेशा की तरह अपने अंदाज में जश्न मनाया। वह जमीन पर घूंसे मारे और अपनी आक्रामकता दिखाई। उसी समय पर मैदान पर रोहित शर्मा आए और कोहली को देखते ही खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कोहली को पहले गले लगाया और फिर कंधे पर उठाया। बच्चे की तरह वह कोहली को कंधे पर लटकाए घूमने लगे। मैदान पर जीत की यह नज़ारा किसी भी फैन को भावुक करने के लिए काफ़ी है। भारतीय टीम को जीत के लिए 160 रन बनाने थे जबकि उनके टॉप 3 बल्लेबाज महज 26 रन पर ही लौट गए। कोहली उस समय क्रीज पर ही थे और फिर टीम इंडिया को जीत दिलाकर ही वापस लौटे। उन्होंने दबाव भरे मुकाबले में 53 गेंदों पर 82 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 4 छक्के जमाए। कोहली ने आखिर के 3 ओवर में मैच को पलट कर रख दिया। इससे पहले पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ T20 विश्व कप के पहले मैच में 8 विकेट पर 159 रन बनाए थे जबकि कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान के लिए शान मसूद ने 52 और इफ्तिखार अहमद ने 51 रन बनाए। भारत के लिए अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या ने 3-3 विकेट लिए जबकि मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार ने 1-1 विकेट चटकाया। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स मिलता रहें।